सब्सक्राइब कीजिए क्राफ्ट ट्यूटोरियल बाय शर्मा जी को और बेल आइकन को दबाइए आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड क्रिएटिव वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है क्राफ्ट ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सप्लोजन बॉक्स के लिए डेकोरेटिव आइटम्स हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए वीडियो। सबसे पहले हम वाटरफॉल कार्ड बनाना सीखेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमने जो ये शीट का पीस लिया है, आप जिसकी मेजरमेंट आप देख सकते हैं, और हम अब मार्किंग करेंगे। यहाँ पे आप 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेके मार्क कीजिए। और अब स्केल की हेल्प से इनको आप अच्छे से फोल्ड कर लीजिए, कुछ इस तरह से। अब जो हमने पहले से प्रिपेयर करके रखे हैं कार्ड्स, उनको हम एक एक करके इन पे पेस्ट करेंगे। आप बस पेस्ट करते जाइए इस तरह से। अब एक स्ट्रिप ले लीजिए जिसकी मेजरमेंट कुछ इस तरह से है, 11 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर। और आप बहुत ध्यान से देखिए वीडियो की किस तरह से हम इस स्ट्रिप को अटैच करेंगे अपने वॉटरफॉल कार्ड के साथ। तो हमारा वाटरफॉल कार्ड ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से काम करता है। तो ये थी दोस्तों हमारी पहली आइटम, वाटरफॉल कार्ड। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। और अब चलते हैं हमारी अगली आइटम की तरफ। तो दोस्तों, हमारी अगली आइटम है फ्लावर एनवलप कार्ड। इसे कैसे बनाना है अगर आपको नहीं पता, तो हमारे चैनल पे इसकी वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की थी, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसे बनाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली आइटम की तरफ। इसका नाम है स्टार फोल्ड कार्ड। स्टार फोल्ड कार्ड बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप किसी भी मेजरमेंट का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 14 सेंटीमीटर वाला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है। आप तीनों साइड के मिड पॉइंट्स को मिला दीजिए और बीच में एक छोटा सा ट्रायंगल आपको दिखेगा। और फिर आप 2-2 सेंटीमीटर का गैप मार्क कर लीजिए, जिस तरह से मैं कर रहा हूं। और अब जो आपने मार्क किया है उसके थ्रू बिल्कुल एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कीजिए। और अब यहां से आप अपने कार्ड को फोल्ड कीजिए। और आप देखेंगे कि जो हमारा स्टार फोल्ड कार्ड है वो बनके रेडी हो चुका है। इसको किस तरह से फोल्ड करना है ये आप जरूर से ध्यान से देख लीजिएगा।
जो हमारी फोर्थ आइटम है वो है पॉपअप डायमंड एनवलप। तो इसके लिए आपको एक शीट की जरूरत पड़ेगी जिसकी मेजरमेंट है 24 cm x 16 cm। आपने करना क्या है, जो मैं करने जा रहा हूँ बेसिकली उसका मैं आपको क्रक्स बता दूँ कि जो आपको ये रेक्टेंगुलर शीट दिख रही है, आपने चारों कॉर्नर से 4x4 cm के स्क्वायर्स कट करने हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 cm x 4 cm के स्क्वायर्स कट करने हैं आपने कॉर्नर से। तो अभी जब कट होंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये 4 स्क्वायर्स कट हो चुके हैं और अब बस काम है फोल्ड करने का, जो हमारी शीट बची हुई है। तो आप इसको देखिए किस तरह से फोल्ड करना है। हम एकदम बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी हेल्प से हमें फोल्ड करने में आसानी होगी। तो दोस्तों बस आप ये देखते रहिए कि किस तरह से हमने फोल्ड करना है, क्योंकि बेसिक जो टेक्निक है वो सारी फोल्ड करने पे ही बेस्ड है। तो फोल्डिंग का काम पूरा हो चुका है और अब हम फेविकोल लगा के चारों एंड्स को सिक्योर कर लेंगे। तो चारों एंड्स पे हमने फेविकोल लगा दी है और जो हमारा पॉपअप डायमंड एनवलप है वो बनके रेडी हो चुका है। तो आप देखिए कि ये किस तरह से खुलता है और ये बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों अब हमारी जो अगली आइटम है वो है सीक्रेट एनवलप डोर कार्ड। तो मैं यहाँ पे दोनों एंड पे 4x4 cm का गैप मार्क कर रहा हूं और हम अब इनकी हेल्प से लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे फोल्ड कर देंगे स्केल की हेल्प से। अब इसके मिड में आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए कुछ इस तरह से और उसको आपने कट करना है। आप कटर की हेल्प से इसको कट कर सकते हैं, सीजर की हेल्प से, जिस मर्जी की हेल्प से आप इसे कट कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है और जो हमारी ये दो शीट्स हैं वो हमने इनके अंदर अटैच करनी है विद द हेल्प ऑफ फेविकोल।
जो दूसरा हिस्सा है हमारा, हम उसको भी इसी तरह से अटैच कर देंगे फेविकोल की मदद से। और आप देखेंगे कि जो हमारा सीक्रेट एनवलप डोर कार्ड है वो बनके रेडी हो चुका है। तो आप देखिए किस तरह से वर्क करता है। आप यहाँ पे कोई भी सीक्रेट मैसेज लिख के उसको छिपा सकते हैं और वो इस तरह से छिप जाएगा। तो दोस्तों, हमने सीक्रेट एनवलप कार्ड डोर तो बना लिया और अब करते हैं तैयारी कि किस तरह से एक्सप्लोजन बॉक्स में इसको फिट करेंगे। तो आप इसको ऐसे ही पेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको किस तरह से हम एक्सप्लोजन बॉक्स में यूज करेंगे उसके लिए हमने ये स्ट्रिप ली है और इसको हम कट कर रहे हैं अब कुछ इस तरह से, और फिर हम इसकी हेल्प से एक्सप्लोजन बॉक्स में अपना सीक्रेट एनवलप डोर कार्ड अटैच करेंगे। तो हमारी अगली आइटम है हर्ट एनवलप। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ और सिर्फ दो तरह के स्ट्रिप्स की जरूरत पड़ेंगी, दो तरह के रेक्टेंगल की जरूरत पड़ेंगी। मेजरमेंट आप देख लीजिए उनकी क्या होने वाली है। और अब चलते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ। तो दोनों तरफ मैं 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इस तरह की मैं मार्किंग कर रहा हूँ ताकि मैं इनकी हेल्प से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकूँ। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और अब स्केल की हेल्प से आप इन्हें फोल्ड कर लीजिए। अब हर्ट के एक पीस की हेल्प से आप हर्ट की शेप इस पर ड्रॉ कीजिए। अब सीजर की हेल्प से आप इस शेप को कट कर लीजिए बहुत ही ध्यान से। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और जो ये हमारी शीट है इसको आपने बीच में पेस्ट करना है। तो फेविकॉल की हेल्प से आप इसको पेस्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, जो हमारा हर्ट एनवलप है वो ऑलमोस्ट बनके रेडी है और हम बस अब इसको ज़रा सी फिनिशिंग देंगे ताकि ये और अच्छा लग सके। कुछ इस तरह से आप देख ही सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कीजिए। आप सभी से जल्द मुलाकात होगी एक बिल्कुल ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बोलना मत भूलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।